हाय गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे नई वीडियो में। आप देख सकते हैं कि दो तीन दिन से लगातार नमी बनी हुई है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो इसमें प्लांट्स हमारे अच्छी तरह ग्रो करेंगे। आप इनके लीव्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खुश हैं और हेल्दी भी लग रहे हैं। और आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे कैसे केयर करें प्रोपोगेशन के बारे में और कुछ टिप्स ऐसे ही। ये मेरा एक पैंडेनस का प्लांट है, यानी स्पाइडर प्लांट की तरह ही होता है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम स्पाइडर प्लांट होता है, लेकिन ये लीव्स के कंपैरिजन में और ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है इनमें। और ये प्रोपोगेशन इजीली कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोपोगेशन इस तरह से पौधों में होती है। आप इसी ना अलग भी कर सकते हो। मैं आपको इसके कुछ प्रोपोगेशन दिखाता हूँ। देखिए, ये दो और ये तीसरा और ये चार पाँच छः सात, मैंने कुल सात प्लांट्स इसमें से प्रोपोगेट की हुई है। और इसमें हम प्रूनिंग भी करेंगे, तो चलिए कौन से प्लांट्स हम प्रून कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। और ये देखिए जरबेरा का प्लांट फ्लावर अभी अभी खिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मेरा क्रोटोन का प्लांट में जिसमें मिलीबग्स अटैक कर रहे थे, तो मैंने इसमें कुछ स्प्रे किया था और अभी कम है। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने एक ब्रांच कट की हुई थी, देखिए, और इसमें ग्रोथ अच्छी तरह हो रही है। मैंने सोचा कि इसी तरह हम इसके टॉप का पार्ट निकाल देंगे, प्रून कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको प्रून करना है सिर्फ इस तरह से, सिर्फ पार्ट टॉप का पार्ट कट कर दीजिए और आपको इसमें ग्रोथ शुरू होना दिख जाएगी। देखिए, ऑलरेडी इसमें कुछ कुछ ग्रोथ हो गई है। तो चलिए इसका भी हम ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे इस तरह से, और सारा प्लांट में इसी तरह कीजिएगा। और आप फिक्र ना करें, यह हेल्दी ही ग्रो होगा आपका, आपको मैं गारंटी देता हूँ। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र विंटर्स में तो कोई ज़रूरत नहीं है प्लांट्स की, फिर भी आप चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत काऊ डंग कंपोस्ट देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अब ये भी ध्यान रखिएगा, बारिश के दिनों में जब इस तरह से वीड्स उग जाती हैं उन्हें ज़रूर निकाल दें, या ताकि जो आपका प्लांट है उसकी एनर्जी ना ये सारी ले पाएँ। ये मेरा डहलिया का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग बढ़िया होती है। अब इसे भी प्रून कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्टेज पे भी रखा है, एक कॉर्नर में एक मनी प्लांट और ऐसे ही कुछ इनसाइड वाले प्लांट्स मैंने शेड में रखा है। तो प्लांट्स देखिए, ये मेरा सेकंड का सेक्शन है, ये मैंने हमारे टेरेस पर रखा है। और इन्हें ओवर वाटरिंग ना होने दें, बारिश के दिनों में अक्सर हमारे प्लांट्स गल जाते हैं। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे के सारे। कुछ मैंने शेड में भी रखा है। विंटर्स में यूजुअली मैं इन्हें पानी नहीं देता, अगर मिट्टी ज़्यादा सूख गई महीने में एक बार या दो बार ही सिर्फ देता हूँ। इसमें भी वीट सूख जाती है, तो उसका आप ध्यान रखिए कि सारा ये आप इसका निकाल दें। और फ्रेंड्स, आप सकलिंग्स भी प्रोपोगेट कर सकते हो लीफ से या स्टेम से, पर ओवर वाटरिंग ना होने दें। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो समझिएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी रेनी सीजन में आप प्रोपोगेट नहीं कर सकते वो प्लांट्स हैं, खास करके एडेनियम प्लांट। देखिए, मैंने एक मदर प्लांट लिया था और इससे तीन प्लांट मैंने प्रोपोगेट किया है, जो देखिए ये वाला आप देख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एडेनियम जब हम कटिंग से लगाएंगे तो उसमें कोडेक्स नहीं बनता। ये देखिए, मेरा दो साल का हो गया, इसमें कोडेक्स शुरू हो गया है। आप एडेनियम को
प्रोपोगेट ना करें रेनी सीज़न में। और मैंने कुछ मेथी लगाई हुई थी, देखिए ये भी बड़ी हो गई। अब मैं इन्हें प्रून कर लूँगा। इसे स्टेम्स, सिर्फ इसकी स्टेम्स कट कर ली है। इसे रूट छोड़ने से आपको 2 या 3 बार फिर से मिलेगी आपको। और तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हैव लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।